Charge. Ah, good, good, good. Back up, charge. ठीक है. Good, good, good. आना भाई, इधर आ. ये घोड़ा पकड़. क्या बात है अली बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ बाबा. तो फिर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? जी नहीं चाह रहा बाबा. प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, तुम्हारा जी चाहे या ना चाहे. खिलाड़ी को अपना आप मारना पड़ता है अली बेटा. सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और खिलाड़ी भी अपनी जान जोखों में डालकर खिलाड़ी बनता है. हाँ, आ शाबाश, आओ बाबा. हाँ, क्या बात है बेटा? बाबा आपसे एक बात करनी है. कहो क्या बात. बाबा वो मैं हसन भाई के पास जाना चाहता हूँ बाबा. क्या कह रहा है तू? बाबा वो बात दरअसल ये है कि भाभी और रबाब से मिलने को जी चाहता है बाबा. तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? टूर्नामेंट सर पर खड़ा है और तू हसन के पास जाने की बातें कर रहे हैं? चलो चलो प्रैक्टिस करो. आओ बाबा. आओ ना. ये तो है, आज माँ भी बड़ा प्यार आ रहा है. अम्मा मुझे किसी ने बताया कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है. अच्छा. हाँ तो किसने बताया तुम्हें? अम्मा वो मुझे एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम माँ के कदमों तले जन्नत को महफूज करना चाहते हो ना, तो फौरन किसी बाहर के मुल्क से मखमल के जूते लेकर आओ. वाकई? हाँ. तो कब जा रहे हो बाहर? जब बाबा इजाजत देंगे. अम्मा आपको तो पता है मुझे बाहर जाने का बिल्कुल भी शौक नहीं, लेकिन क्या करूँ, बुजुर्ग ने आजमाइश में डाल दिया और सोचा कि हसन भाई से भी मिल लूंगा. मैं मानती हूँ कि तुम्हें बाहर जाने का कोई शौक नहीं है, मगर कुछ दिनों से बाहर जाने का जुनून सवार रहने लगा. बहाने क्या बना रहे हो? अम्मा प्लीज बाबा को मना लें. बेटा टूर्नामेंट शुरू होने वाला है. अम्मा मैं टूर्नामेंट से पहले आ जाऊंगा, मैं वहां भी प्रैक्टिस करूंगा. प्लीज अम्मा. एक मशवरा दूं? जल्दी दें. साहब जान हसन जान की बात कभी नहीं टालेंगे. तुम ऐसे करो, अपने भाई को फोन करो कि वो बाबा से बात करे. हसन कहेगा तो तुम्हारे बाबा जरूर इजाजत दे देंगे. वाह, क्या कमाल मशवरा दिया. आखिर माँ किसकी है? तुम्हारी. मैं अभी फोन करके आया. यार अली, मेरा भी बहुत जी चाहता है तुमसे मिलने को, बल्कि रुबाब तो सबसे ज्यादा उदास रहती है, हर वक्त चाचू चाचू की रट लगा के रखती है. मैं आज ही बाबा से बात करूंगा. ठीक है. अच्छा लो, रुबाब से बात करो. हेलो चाचू, कैसे हो? मेरी जान कैसे हो आप? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, बस आप जल्दी से घर आ जाइए ना. मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ. मैं आपको अपने खिलौने भी दिखाऊंगी, आपके लिए कार्ड भी बनाऊंगी, आपको स्कूल भी लेके जाऊंगी. अच्छा ठीक है. बस बस बाकी बातें बाद में कर लेना. चाचू आप आए नहीं और लोग जलना शुरू हो गए. लीजिए अब हम लोग हो गए. अच्छा मेरी जान, मैं आके इन लोगों को बताता हूँ कि मैं इनके साथ क्या करूँगा. ठीक है. लो मुझे दो फोन. हेलो अली. हेलो भाभी. कैसे हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तुम फिक्र नहीं करो, हम तुमसे ज्यादा बेचैन हैं. भाभी आप प्लीज भाईजान को ताकीद कीजिएगा कि बाबा जान से बात करे. हाँ बाबा जान से मैं खुद बात करूंगी, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे. ठीक है भाभी, थैंक यू भाभी, बहुत मेहरबानी. अच्छा अली. हेलो हेलो सर. हेलो. लाइन कट गई. अब नूर से मुलाकात होगी, जरूर होगी. उसकी ना बदौलत बड़ी हो चुकी है. आपको आज पता चला?
नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब है उसको अब ज्यादा वक्त घर पर देना चाहिए, उसका हर वक्त भाई साहब जान के घर रहना अच्छा नहीं लगता। तुमने तो खुद ही बतूल को खदीजा भाभी की गोद में दे दिया था और कहा था कि ये आपकी बेटी है, और आज तुम कह रही हो कि उससे ज्यादा यहाँ रहना चाहिए। लेकिन लोगों को कौन समझाएगा? किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं, पूरा गांव जानता है बतूल का साहब जान से खदीजा भाभी से क्या तलब है। ठीक है, बतूल का ब्याह भी तो करना है। खदीजा भाभी ने साफ कह दिया ब्याह करना उनकी जिम्मेदारी है, उन्हीं के घर बारात आएगी और डोली भी वहीं से रुखसत होगी। जबल का बाप आलमगीर खान मिला था और कह रहा था कि कहने से जो कहता है, अभी रिश्तेदारी हुई नहीं और रोक टोक शुरू होगी, और मुझे तो वैसे भी जबल पसंद है। बतूल का रिश्ता भाभी तय करेंगी, हम कौन होते हैं। लेकिन मैं तो आलमगीर से कौन सी बात पक्की हुई है। अली जान फोन सुनो, शायद उसकी आंख लग गई, अभी तो जाग रहा था। हेलो हेलो, हाँ हसन बेटा, मैं तुम्हारा बाबा बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बेटा इतना इंतजार न करवाया कर, अब तुम्हारे बूढ़े बाप में हफ्तों की इंतजार की सकत नहीं रही। सॉरी बाबा, आइंदा कोताही नहीं होगी बाबा। वो आपसे एक दरख्वास्त करनी थी, मगर आप पहले वादा करें कि आप इनकार नहीं करेंगे। हाँ हाँ बोलो बेटा। नहीं बाबा, पहले आप वादा करें। मेरी जान तुम पे कुर्बान हसन जान, बताओ क्या बात। बाबा हम बहुत उदास हैं, फिलहाल गिलगित नहीं आ सकते। बाबा आप अली को कुछ दिनों के लिए यहाँ भिजवा दें। नहीं हसन जान, बेटा टूर्नामेंट सर पे है, मैं अली जान को कैसे भेज दूं। बाबा मैं वादा करता हूँ कि उसे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और टूर्नामेंट से पहले पहले वापस भिजवा दूंगा। ना बेटा ना ना। बाबा प्लीज, आपने वादा किया है। मैं दादा अबू से बात करूं। हेलो दादा अबू। अरे रुबा बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी है? आप मेरे खातिर अली चाचू को भिजवा दें, आप तो हमेशा कहते थे कि इस महीने में मेरी जान है, तो आप अपनी महीने की बात नहीं मानेंगे। अच्छा अच्छा बेटा, मैं भला नन्ही सी मीठी जुबान को कैसे इनकार कर सकता हूँ। थैंक यू दादा, थैंक यू, आई लव यू। खुश हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मारिया बेटा, कैसी हो? अम्मा कैसी है? अल्लो बात करो मारिया, मैं बात करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? आपने तो बहुत तकल्लुफ किया, इतना कुछ भिजवा दिया। बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं भिजवाया, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इंशाल्लाह अली के हाथ और भिजवाऊंगी। बस करो, उसका बिल आ जाएगा। मैंने लिया तो फौरन कहने लगे उसका बिल आ जाएगा। हेलो, लो बंद हो गया। हेलो क्या कह रहा था हसन? कह रहा था कि अली जान को कुछ दिनों के लिए भेज दो, बहुत उदास है सर। फिर आपने क्या कहा? मैंने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन जो बाप बेटी को कैसे इनकार कर सकता था, मैंने हाँ कहा। तो बाबा आपने इजाजत दे दी? हाँ बेटा, लेकिन तू तो अभी सो रहा था। याहो! कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम मारिया बेटा, कैसी हो? अम्मा कैसी है? अल्लो बात करो मारिया, मैं बात करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? आपने तो बहुत तकल्लुफ किया, इतना कुछ भिजवा दिया। बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं भिजवाया,
ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इंशाल्लाह अली के हाथ और भिजवाऊंगी। बस करो, उसका बिल आ जाएगा। मैंने लिया तो फौरन कहने लगे उसका बिल आ जाएगा। हेलो, लो बंद हो गया। हेलो, क्या कह रहा था हसन? कह रहा था कि अली जान को कुछ दिनों के लिए भेज दो, बहुत उदास है सर। फिर आपने क्या कहा? मैंने तो साफ इनकार कर दिया। लेकिन जो बाप बेटी को कैसे इनकार कर सकता था, मैंने हाँ कर। तो बाबा आपने इजाजत दे दी? हाँ बेटा, लेकिन तू तो अभी सो रहा था। याहू! बुलबुल, बुलबुल, ओए! अरे यार, खैरियत तो है? बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अरे यार, मुझे अपनी खुशियों में शरीक नहीं करोगे? ओए, तू तो मेरी बुलबुल है। अरे यार, तू बुलबुल की जान। बताना यार, क्या बात है? बताओ। हाँ यार, बताओ। अरे यार, जल्दी बताना। ओए बाबा मान गया, मैं बाहर जा रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है यार ये। ये तो बहुत जल्द नूर का दीदार होने वाला है। इंशाल्लाह। तुमने अभी तो कहा था कि तुम्हारा घर इसी शहर में। हाँ, लेकिन अब मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? क्यों, तुमके घर के रास्ते का पता नहीं? रास्ते तो उसी रोज बंद हो गए थे जब वो लोग मुझे उठाकर ले गए थे। अब मैं अगर चली भी गई तो मेरे घर वाले मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। कोई यकीन करेगा? मेरी माँ, बाप, बहन भाई सब दुआएं मांग रहे होंगे कि मैं घर वापस ना आऊं। सब रो चुके होंगे मुझे। तो क्या तुम अब घर कभी वापस नहीं जाओगी? अगर चली भी गई तो कयामत आ जाएगी। मेरे घर वाले किसी को मुंह दिखाने को काबिल नहीं रहेंगे। तो फिर तुम कहां जाओगी? मेरे लिए जिंदगी ने दरवाजे बंद किए, मौत के तो खुले हैं। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम कैसे रोक सकते हो मुझे? मैं तुमको साथ लेकर जाऊंगा। तुम खुद को परेशानी में मत डालो मेरी खातिर। जब तुम मरना ही चाहती हो तो फिर मेरे साथ जाने में क्या बुराई है? बाबा जान मान तो गए, मगर बाद में मुझे सोचकर बहुत दुख हुआ कि उन्हें मजबूरन मेरी वजह से अली को यहाँ भेजना पड़ रहा है। उनके लहजे की उदासी और आवाज से मुझे ऐसे लगता है जैसे वो खुद पे जबर करके अली को यहाँ भेज रहे हैं। इसमें ऐसी कौन सी बात है? अली को यहाँ मुस्तकिल तौर पर रहने तो आ नहीं रहा, बस महीने दो महीने की तो बात है। माया, तुम नहीं जानती हो कि मेरे बाबा जान को पोलो से इश्क की हद तक दिलचस्पी है। उन्होंने मुझे अपने फ्रेम में फिट करने की कोशिश की, मगर
मेरी तालीम की वजह से वो मजबूर हो गए। मेरा बाजू भी तो फ्रैक्चर हो गया था ना। और वैसे भी आप मेडिकल पढ़ने के लिए कराची जो आ गए थे। मेरे बाद उनकी सारी उम्मीदें अली से वाबस्ता है। अब इन दिनों में देखो ना, वहां टूर्नामेंट शुरू होगा और अली यहाँ होगा हमारे पास। इस बात का उन्हें कितना दुख होगा। अली चाचू कब आ रहे? जल्दी आ रहे हैं बेटा, तुम्हारे चाचू तुम्हारे पास। देखिए प्लीज, आप अली से कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा, वरना उसका सारा ट्रिप बर्बाद हो जाएगा। आप तो जानते हैं ना कि अली कितना हसास लड़का है। अली चाचू मेरे कमरे में रहेंगे। मारियो तुम ऐसा करो कि वो एनएक्सी वाला पोर्शन है ना, वो ठीक ठाक करा दो अली के लिए। इसमें ठीक क्या करना, वो तो वैसे ही ठीक है। नहीं मम्मी, हम उसे खूब अच्छी तरह डेकोरेट करेंगे। ओ, इसे देखिए ये कितनी खुश हो रही है। ना हो, इसका चाहिए चाची जो आ रहा है। बेटा अपना ख्याल रखना, जो बातें बताई हैं याद रखना। माँ सब याद है माँ। ये मेरे हसन और मारिया और मेरी बेटी रुबाब के लिए है, और ये खाना रास्ते में खा लेना। माँ कमाल करती हो खदीजा, भाई जहाज में खाना मिल जाता है। नहीं नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं खाना, कोई दे कुछ तो ले लेना लेकिन खाना नहीं। कैसी बातें कर रही हो खदीजा तुम। भाई भाई जल्दी आ जाना, देखो मैं तुम्हारे बगैर ज्यादा दिन रह नहीं सकूंगी। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है ना, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन भाई जल्दी आ जाना। पगली, बहनों को तो एक ना एक दिन भाइयों का घर छोड़ के जाना होता है, उस वक्त क्या करोगी? अरे आप लोग तो इस तरह कर रहे हो जैसे ये हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं। चंद दिनों की तो बात है, इंशाल्लाह वापिस आ जाएगा। अरे मुस्कुरा कर रुखसत करो भाई को। शाबाश, चलो सामान उठाओ। बेटा मौला तुम्हें अपनी अमान में रखे। पता है मेरा दम घुटता है इस घर में, जब मुझे अपना वहां वाला घर याद आता है। इस घर में है ही क्या, खूबसूरत रंग, ये कीमती कालीन, बेहतरीन फर्नीचर, बस ना। और क्या चाहिए भाई, सभी कुछ तो है यहाँ। अरे पगले, ना यहाँ माँ है, ना उसकी मोहब्बत की खुशबू, शफकत भरी ममता, बाबा की प्यार भरी आंखें नजर आती हैं तुम्हें यहां, दोस्त यार रिश्तेदार इन सब का प्यार ढूंढ सकता है तू यहां? भाई मेरा मतलब ये तो नहीं था, मैं तो। अरे तू कहता है मेरा वहां आने को जी नहीं चाहता। खाली मैं तरसता हूं उस प्यार भरी देसी हवा की खुशबू को, उस मट्टी को जिसके जर्रे जर्रे में मुझे अपनाइयत मिलती है। भाई प्लीज आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया। अली तुम तो मेरे भाई हो, यहां आने वाला हर शख्स यही समझता है कि जैसे वो जन्नत में आ गया हो। लेकिन जब चंदी रोज में अपनों की याद सताती है ना, और घर याद आता है, तो यही जन्नत जहन्नम बन जाता है। अब बस भी करें ना, अभी अभी तो थका हुआ है बेचारा, और आपने अच्छी खासी खिंचाई कर दी। मारिया तुम नहीं जानती है मुझे किस कदर प्यारा है। पहले नहीं जानती थी तो अब जान गई हूँ। मुझे यकीन है कि अगर कल मैं इस दुनिया में नहीं भी रहा ना, तो तुमको और रबाब को और सबको ये कभी मेरी कमी नहीं महसूस होने देगा। ये क्या कह रहे हैं आप भाई, खबरदार जो आइंदा आपने ऐसी बात मुंह से भी निकाली तो खुदा करे कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। भाई अभी आपको बहुत सालों तक जीना है भाई। अरे पगले, मैं तो एक बात कह रहा था। आप से वादा करो कि
आइंदा आप ऐसी बात सोचोगे भी नहीं। अरे बाप, आप क्या समझते हो कि मैं आपको इतनी आसानी से मर जाने दूंगा? ऑफ हो, ये तुम दोनों भाई किस फजूल बहस में पड़ गए हो? भाई देखिए ना इनको कैसी बातें कर रहे हैं। चाचू आप ये बताएं मेरे लिए क्या लाए? मेरी जान, मेरे सामान में है ही क्या सिवाय तुम्हारी चीजों के? लेकिन वो मेरा सामान है कहाँ? हमने तुम्हारे आराम के लिए तुम्हारा इंतजाम एनेक्सी में किया, सामान भी वहीं है। आई चाचू मैं आपको दिखाऊं। ठीक है हम तो जा रहे हैं। जवाब कैसे दे सकूंगा मैं तो, अगर अपनी जान भी आपको कुर्बान कर दूं, मेरी जान तो कम है, मेरी गुड़िया मेरी जान। अरे रुबाब बस करो, चाचू को आराम करने दो,